वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। हमारे प्रोड्यूसर भी इतने जोश में आ गए कि पहले से उन्होंने क्यों कह दिया, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए चांस तो है नहीं। अब पाकिस्तानी टीम वतन वापस लौटेगी, ईद आज मनाई होगी इन्होंने, क्योंकि अमेरिका में आज है या कल है, कल है, कल कल ईद है। कल वो नमाज वगैरह पढ़ने जाएंगे और नमाज पढ़ के दुआ करेंगे कि ऑपरेशन क्लीन अप जो होने जा रहा है उसमें हमारा नाम ना हो, और फिर उसके बाद वतन वापस पहुंचेंगे। लेकिन क्या लोग इस्तकबाल करने जाएंगे एयरपोर्ट इस टीम? आपको लगता है ये परफॉर्मेंस है इस्तकबाल वाली? आखिरी दो मैच जीते, वर्ल्ड कप इनको दे देना चाहिए। नहीं जीते भाई, ये फोटो कॉपी बनाई थी और ये देखें ये अच्छी लग रही है नहीं, ये बताइएगा फीडबैक में कि इतने मतलब आप देखें दो तीन तो मैं तो उनको देना चाहिए। लगे हुए मैच जीते ना कनाडा और इससे आयरलैंड से, लगे हुए थे दीवार से लगे हुए थे बिल्कुल ना। आप देखे 100 रन बनाने बड़ा मुश्किल काम था और इन्होंने कर लिया। भाई मैं ये हैरान हूँ जिनको मैं ओन करता हूँ अपनी बात को। मैंने ही बोला था कि इस जगह पे रिजवान और बाबर के मतलब की क्रिकेट है, मगर मेरे समझ नहीं आया वो शॉटे क्या खेल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से स्ट्राइक रेट के पीछे चल पड़े हैं। वहाँ कमेंट्री बॉक्स में जिक्र हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्राइक रेट की नहीं, सिर्फ बैट्समैन 20 ओवर पूरे खेल खड़ा होगा तो फिर रन बने। तो वहाँ पे तो कुछ और ही कहानी चल पड़ी है, पता नहीं क्या, कुछ समझ नहीं आई है। जाने से पहले सब चीजें इनके ब्याप से सही दिख रही थी, मगर वहाँ जाती बाबर रिजवान को क्या हुआ वो मैं पूछना चाह रहा हूँ किसी से, कोई मुझे समझाए कि ये अपनी गेम के जो नेचर थी उससे किस तरह हट गए। वहाँ साइम भी अपनी नेचर से हटके खेल रहा है। भाई आपकी पहचान था शॉट्स खेलना, आप वो खेलो उसमें आउट हो रहे हो, खैर है उसी में रन करके गए हो आप। सही कह रहे हैं, सही कह रहे। ये चीजें आपको खुद सोचनी पड़ेगी ना। अब किसने आपको बोला है क्या है, इन दी एंड वो आपको बार भी वही कर देंगे। अब ये हो गया 25-30 इनिंग हो गई है भाई, इनका एक भी 50 नहीं है, इवन एक भी 30 नहीं है। साइम अय्यूब की बात कर रहे हैं, मतलब आपने मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये बोला, हाँ उसको ये बोला क्या होगा भाई, टाइम ले लो थोड़ा सा, रुक जाओ। वो नेचर या वो उसका इंटेंट जो था ना, जो और एक ही जगह आउट होता है वो, बेसिकली जिसके लिए साइम मशहूर था, जो उसकी पहचान थी, कि इसका जो इंटेंट है ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, वो बिल्कुल वर्ल्ड कप में उसका गायब दिखा है। देखें क्या कह सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। अब देखिए खुर्रम, इसमें आप क्या देखते हैं कि चेंजेस तो होनी चाहिए मेरे ख्याल में, चेंजिंग बनती भी है। अब अगले, अब अच्छा एक बड़ा जबरदस्त सवाल, अगर कंटिन्यू करेंगे तो सर कंटिन्यू करता हूँ, ये है कि अगर कप्तान हटता है, क्योंकि देखें अभी तो बहुत सारे ये भी बोल रहे हैं इसको कंटिन्यू कर दो, पता नहीं क्या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भाई इनको बना दे, अगर हटता है और कौन बनता है तो आया वो इसको कैरी करेगा बाबर और रिजवान को? इतना बड़े बैट्समैन है दोनों, क्या बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि एक भी विकेट नहीं जीते। मतलब बड़े हैं आप बोल रहे हैं बड़े हैं, मैंने कल आपके प्रोग्राम में कहा, बल्कि सॉरी ये मैं इस प्रोग्राम को भी मैं बोलता हूँ, मैं इसका हिस्सा हूँ, 2.5 साल तकरीबन हो गए, तो मैंने ही बोला इस जगह बैठ के इस प्लेटफॉर्म से कि भाई खुदारा ICC रैंकिंग खत्म कर दे, ये बेस्ट बॉलर, टॉप रन गेटर, टॉप विकेट टेकर, टीम ऑफ द ईयर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द वीक भी आ गया। भाई ये कौन किस तरफ चला दिए गाड़ी स्पॉन्सर्स के चक्कर में ना भाई, टीम कहीं और जा रही है टीमें, हम चले दूसरी टीम को छोड़े, पाकिस्तान टीम कहाँ गई है? और रोना क्या है, 4,000 कंप्लीट हो गए मेरे, मैं डबल किंग बन गया हूँ। अबे भाई 4,000 में एक भी ट्रॉफी नहीं है, सही खुदा के लिए आंखें खोलो, बाहर आ जाओ इस चीज से, मुल्क मादरत के साथ आपकी उस प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती थी, अजहर अली खेलता था, अजहर अली और वो परफॉर्म करता था बिल्कुल सही, और वो जीते है ना तो एज ए टीम जीती है, उसकी कप्तानी का फर्क था, आप ना कप्तान ना आपको अपने जो भी आपने लड़के तैयार के, देखे हर कप्तान प्लेयर बनाता, इन्होंने प्लेयर नहीं बनाए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये वो हक है, ये वो हक की बात है जो बोले प्लेयर नहीं बने, अपने दोस्तों को बना मुझे आप भाई मैं बोल रहा हूँ दोस्ती कर लो, कर लो भाई, इवेंट भी तो जिताओ यार, 7 साल 6 साल 5 साल से तो कंटिन्यू आप कप्तान हो, 4 साल से कप्तान हो और एक सिंगल इवेंट नहीं आपने जीता हुआ, आप लोकल सीरीज है आप बराबर कर जाते हो, जिससे मेरे हिसाब से वो हारे हैं आप न्यूजीलैंड से और उससे पहले जो टीमें आई हैं। सही कह रहे हैं, आप कहां क्रिकेट को ले गए, डोमेस्टिक को आपने रेट ही करना छोड़ दिया है, आप डोमेस्टिक में एक मैं बताता हूं, डोमेस्टिक में आया ऑर्डर ऊपर से आया
मैं नाम ले सकता हूँ मगर नाम नहीं ले रहा, बुरी बात है कि जी 150 से ऊपर से स्ट्राइक रेट का जो प्लेयर होगा ना वो कंसिडर होगा। अब बैट्समैनों के कान खड़े होगा, भाई 150 का स्ट्राइक रेट बनेगा कैसे जब आप बल्ले चलाना शुरू करेंगे? बताओ। अब जो चलाते थे ना उसमें वो तो हीरो दिखने लगे। अच्छा उनकी परफॉर्मेंस सुन ले भाई, 70 किया है नहीं, 50 किया है नहीं भाई, 40 किया है नहीं, क्या किया है? फाइन, दो छक्के मारे ने, दो गेंद थे, दो छक्के खत्म। स्ट्राइक रेट अबे भाई कौन से बेड़ा गर्क कर दिया डोमेस्टिक को, टॉप परफॉर्मर आप नहीं ले रहे, मिडिल ऑर्डर आपने खुद नहीं लिया, ज्यादती है ये, नहीं खुद नहीं लिया। अरे भाई आपने डोमेस्टिक को बिल्कुल दफन कर दिया अंदर। इस पर हम मजीद बात करेंगे, फोरम चूंकि पाकिस्तान के लिए खेले तो अपने जज्बात का इजहार खुल के कर रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।